गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत विषय में आज हम सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है और वर्णों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा कि वर्ण किसे कहा जाएगा या अक्षर किसे कहा जाए। ये वे मूल ध्वनियाँ होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जिनके क्या नहीं किए जा सकते हैं? टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? वर्ण या अक्षर कहा जाएगा। और ये हमेशा अकेला रहता है। क्या रहता है? अकेला रहता है। जैसे अ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ई के टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, ऊ के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे क्या कहलाएंगे? वे वर्ण कहलाएंगे। जैसे क, ग, च, ऐसे। तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ण या अक्षर, या तो वर्ण को या अक्षर को, दोनों एक ही बात है। तो ध्यान रखें, ये वे मूल ध्वनियां होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके वे क्या कहलाएंगे? वे वर्ण या अक्षर कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं वो। जैसे अ है तो अ के क्या टुकड़े करोगे? अ के टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब क है, अब क के यहां कैसे टुकड़े करोगे? क्योंकि ये तो हलंत है। हलंत का मतलब होता है इसके अंदर स्वर नहीं है, इसके अंदर कोई स्वर है ही नहीं। तो ये अकेला, इसके अंदर इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे क्या कहलाएंगे? वे वर्ण या अक्षर कहलाएंगे, ध्यान रखना। और वर्ण या अक्षर जो होते हैं, वो भाषा की मूल ध्वनिया होती है। भाषा की मूल ध्वनिया होती है। क्या? अक्षर या वर्ण। अब भाषा यानी कि जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा के अंदर जब हम हमारे मुख द्वार से कुछ ना कुछ बोलते हैं तो बोलने से धुने निकलती है बात, कुछ आवाजें निकलती है बात। तो वो आवाजें जो हैं, वो धुने जो हैं, वही वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अक्षर और वर्ण जो होते हैं वो भाषा की मूल ध्वनियां होती है। वही स्वर होते हैं, आवाजें होती है जो हम हमारे मुख द्वार से उनको बाहर निकालते हैं हवा के साथ में, प्रेशर के साथ में। तो वे मूल ध्वनियां होती है। अब ये मूल ध्वनियां कौन कौन सी, जैसे कि क ले लो, ग ले लो, प ले लो, है ना, ये मूल ध्वनियां होती हैं इनकी जो हमारे मुख द्वार से बाहर निकलती है, ठीक है ना। अ ले लो, तो ऐसे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि भाई ये तो वर्ण हुआ। अब वर्ण के बाद में जब वर्णों को मिलाया जाता है, वर्णों के मिलान से पद या शब्द का निर्माण होता है, किसके मिलाने से? वर्णों के मिलाने से। जब वर्णों को मिलाएंगे तो पद या शब्द का निर्माण होगा। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा ये क, ये मैंने लिखा म, ये ल। जब तक अलग अलग है तब तक क्या है? वर्ण है। जब तक अलग अलग है तब क्या है? वर्ण है। जब हम इनको मिला देंगे, इनको क्या करेंगे?
इनको मिला देंगे। मिलाने पर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये पद या वर्ण बन जाएगा। अब ये जब तब तक तो वर्ण है, ये क्या है, वर्णाह। अब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पद या शब्द। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जब तक ये अकेला है तब तक तो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण। और जब इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, शब्द या पद। तो ये इनके बारे में अपन को जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से इसको वापस देखना है, इसकी परिभाषा वगैरह। अब हम करेंगे वर्ण के भेद। क्या करेंगे, वर्ण के भेद। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं ये हम अभी बताते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं, दो। पहला, जिनको कहा जाता है स्वर अच्छ, क्या कहा जाता है, अच्छ। और दूसरा होता है व्यंजन या हल। समझ में आया तुम्हें, स्वर या अच्छ, व्यंजन या हल, वर्ण के दो भेद होते हैं, ध्यान रखना। स्वर या व्यंजन वर्ण, इस व्यंजन वर्ण को मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा व्यंजन या हल, ठीक है। स्वर या अच्छ, स्वर किसे कहते हैं, स्वर या अच्छ किसे कहते हैं, जिन जिनको बोलने या उच्चारित करने के लिए किसी, उच्चारण करने के लिए किसी की भी या किसी अन्य की, किसी अन्य की आवश्यकता न हो। जिनको बोलने या उच्चारित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो वे क्या कहलाएंगे, वे स्वर या अच कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्वर या अच कहलाएंगे, जिनको बोलने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं हो। जैसे अपनी मर्जी से चलते हैं, वो खुद का ही ऑफिस है, खुद का ही है कारखाना, है ना। जैसे आ, ई, ई, है ना, ऊ, री, इनके इनके खुद के खुद का ही है ये अपना। इनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये अपने बलबूते पे ही चलते हैं। यानी इनको किसी भी तरह का उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए अन्य किसी उच्चारण की, अन्य किसी वर्ण की, अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं, वे स्वर या अच कहलाते हैं। अब स्वर और अचों के भेद, स्वर और अचों के भेद, ये आपने परिभाषा लिख दी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसके स्वर या अच के भेद, इसके भेद, भेदा कितने भेद होते हैं भाई, तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला,
ह्रस्व या लघु स्वराह, ये पहला ठीक है, ह्रस्व या लघु स्वराह। अब इसमें ह्रस्व लघु स्वरा कौन कौन से होते हैं? अब इसके अंदर लघु और ह्रस्व स्वरा होते हैं जिनको बोलने के लिए कम समय लगे, जिनको बोलने के लिए क्या लगे, जिनको उच्चारण करने में एक मात्रा या एक सेकंड का समय लगे, एक मात्रा या एक सेकंड का समय लगे जिनको उच्चारण करने में, वे कौन से स्वर कहलाएंगे, ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वर ध्यान रखना, इसको बोलने के विचार ढंग से करें। ह के अंदर मैंने र र किया है ना, ये प्रकार वाला जो र होता है ना वो है, ध्यान रखना। तो ह्रस्व या लघु स्वर, अब वो कौन कौन से होते हैं ह्रस्व लघु स्वर, ये देखिए आप, पांच प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पांच। कौन से? अ, ई, उ, री, लि। याद रखना ह्रस्व और लघु स्वर जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लि। ये पांच जो हैं ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, ध्यान रखना ठीक है। दूसरा दीर्घ या गुरु स्वराहा, ठीक है, जिनको अपन ने जो ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा बताई है, जिनको उच्चारण करने या बोलने में एक मात्रा एक सेकंड का समय लगे वह ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा या दो सेकंड का समय लगे, दो मात्रा या दो सेकंड का समय लगे, जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा या दो सेकंड का समय लगे वे कौन से स्वर कहलाएंगे, वे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाएंगे। अब ये देखो ये कितने प्रकार के, नौ प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखें आप, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ओ आई औ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के होते हैं। समझ में आया? आठ प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर गुरु स्वर, जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा या दो सेकंड का समय लगे। जब हम बोलेंगे तो उसको ज्यादा समय लगेगा, ध्यान रखना। अब तीसरा होता है भाई अपने प्लुत स्वर, कौन से होते हैं? प्लुत स्वराहा, जिनको उच्चारण करने में तीन सेकंड या तीन मात्रा या तीन सेकंड का समय लगे, तीन मात्रा तीन सेकंड का समय लगे वो कौन से स्वर कहलाएंगे, वो प्लुत स्वर कहलाएंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं देखें आप,
अ और ये तीन, इसमें एक चिन्ह होता है ध्यान रखना, ई और ये चिन्ह, तीन जो गणित के तीन होते हैं ना अपने मैथ्स के थ्री, इस टाइप का एक साइन होता है, चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो ये जिनको बोलने में तीन मात्रा या तीन सेकंड का समय लगे ध्यान रखना। अब इनको एक बार देखते हैं कि ह्रस्व स्वर, सबसे पहले स्वर, वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वर या अच, व्यंजन या हल। सबसे पहले हम स्वर कर रहे हैं, स्वरों को अच भी कहा जाता है बेटा ध्यान रखना, और संस्कृत में तो हमें स्वर को अच ही बोलना है, क्या बोलना है, अच बोलना है, स्वर नहीं बोलना है, ठीक है ध्यान रखें। तो अच स्वर कितने होते हैं, ये अच या स्वर है, ये इनके तीन प्रकार होते हैं, यानी इनके तीन भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दोनों का मीनिंग एक ही ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। अब ह्रस्व या लघु स्वर किन्हें कहते हैं, जिनको उच्चारण करने में एक मात्रा या एक सेकंड का समय लगे, जिनको बोलने में हम उच्चारित करते हैं ना उस समय बोलते हैं, उस समय बोलने में एक मात्रा या एक सेकंड का समय लगे उनको क्या कहते हैं हम, उनको ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, अ ई उ रि लृ, ध्यान रखना ये लृ जो है ये री की मात्रा है, ध्यान रखना ये री की मात्रा है, इसकी मात्रा है यहां इसके साथ लगी हुई है लृ। तो ये भी एक संस्कृत में एक स्वर माना गया है ध्यान रखना, संस्कृत में इसको स्वर माना गया, हिंदी में इसका कोई लेना देना नहीं है ध्यान रखना। तो संस्कृत में इसको लृ को स्वर माना गया है। तो ये ह्रस्व लघु स्वर जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, अ ई उ रि लृ, ध्यान रखना ठीक है। तो इसको जब बोल रहे हैं ना तो कम समय लग रहा है, अ ई उ एक सेकंड का समय लग रहा है जब बोल रहे हैं तब उनको, ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाएंगे। अब दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो दीर्घ स्वर गुरु स्वर किसे कहते हैं, जिनको उच्चारण करने में दो मात्रा या दो सेकंड का समय लगे, कितने सेकंड का समय लगे, दो सेकंड का समय लगे बोलते समय, तब उनको क्या कहा जाएगा, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाएगा। वो कौन कौन से होते हैं देखिए, आ ई उ री ए ओ आई औ, ध्यान रखें। तब आप जब उनको बोल रहे हैं तो इनसे थोड़ा अधिक समय लग रहा है इनको बोलने के लिए, यानी कि ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वरों को बोलने के लिए। तो इसमें दो सेकंड का समय लग रहा है, आ ई जब इसको पढ़ रहे थे ह्रस्व स्वर, अ ई एक सेकंड का समय, आ ई दो सेकंड का समय लग रहा है ना। तो इनको क्या कहा जाएगा, दीर्घ स्वर कहा जाएगा। तीसरा है प्लुत स्वर। अब इनको जब पढ़ेंगे इसका उच्चारण करेंगे तो यहां पर तीन मात्रा का समय या तीन सेकंड का समय इसके अंदर लगेगा ध्यान रखना, तीन मात्रा या तीन सेकंड का समय लगता है इनको प्लुत स्वरों को बोलने के लिए। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जो गणित के तीन का साइन होता है, चिन्ह होता है ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इनको जब बोलेंगे तो इससे ज्यादा समय लगेगा, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगेगा, अ ई ऐसे, समझ में आया। तो इनको जब ह्रस्व स्वर को पढ़ेंगे अ, दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे आ, और प्लुत स्वर को पढ़ेंगे तब थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा इसको, तीन सेकंड का, यानी कि दो से अधिक सेकंड का समय लगता है इनको जब पढ़ेंगे बोलेंगे, समझ में आया। तो ये तो हुए स्वरों के भेद, पहला भेद है ह्रस्व स्वर लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर गुरु स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है, ये तीन इसके भेद हुए। तो अब आपको इतना काम है कि इन स्वरों के बारे में, पहले तो वर्ण के बारे में जानकारी, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कैसे होते हैं, फिर उस सबसे पहले वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, स्वर अच या दूसरा है व्यंजन और हल, फिर स्वरों के भेद तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आज अपना ये होमवर्क रहेगा कि जहां आज मैंने पढ़ाया वर्ण, वर्ण की परिभाषा है ना, वर्ण वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और स्वर या अच के भेद, इनके बारे में याद करना, इनको लिखना और इनको अच्छे ढंग से याद करना, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लर्न करना कि भाई इसमें कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं,
ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, हल वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।